हेलो स्टूडेंट्स, आरसीसी के नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शियर इन्फोर्समेंट होता है वो किस तरीके से दिया जा सकता है। तो हमने देखा था कि वर्टिकल स्टीरअप के तरीके से दिया जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप शियर इन्फोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड, है ना। शियर इन्फोर्समेंट वर्टिकल स्टीरअप के फॉर्म में दिया जाता है। और एक चीज़ और थी बात, तो वो आगे हम लोग पढ़ते हैं इस लेक्चर में, कि शियर इन्फोर्समेंट बेंट अप बार्स, है ना, जो लिखा ना बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। बेंट अप बार्स के फॉर्म में मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो शियर इन्फोर्समेंट तो हम प्रोवाइड करते हैं छल्ले छल्ले वाले जो होते हैं, है ना। बाकी जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड करते हैं। बेंट अप बार्स का मतलब यह है जैसे कि स्लैब होता है ना, जैसे ब्रिज का स्लैब हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर जहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेंथ, जहाँ पे लॉन्ग जो लेंथ होती है वहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। तो बेंट अप बार्स कुछ ऐसा होता है, ये आपका मान लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक। उसके बाद ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा है। ये आपका गया 45 डिग्री पे टर्न करा के फिर ऐसे चला गया, समझ रहे हैं। ये जो बेंट हो रहा है इसी कहते हैं बेंट अप बार, ठीक। बार को क्या करना है, बेंड कर देना है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक। ऐसे कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है शियर इन्फोर्समेंट के लिए, शियर इन्फोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि शियर फेलियर ना हो, है ना, तभी तो शेयर फेलियर को रोकने के लिए, ठीक है, बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है, हमें करना होता है सिर्फ स्ट्रेंथ निकालनी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स। ये सिलेबस में लिख के नहीं आता है ना, तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि बेंट अप बार की स्ट्रेंथ क्या होगी, सिर्फ स्ट्रेंथ निकालने के लिए आता है कभी कभी वो भी, ठीक। तो वी हम लिखते हैं, है ना, शियर फोर्स को, तो बेंट अप बार है तो वी एस बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। शियर इन बेंट अप बार, शियर इन बेंट अप बार, ठीक है। शियर इन बेंट अप बार क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार, है ना, क्या होगा, एरिया इंटू एरिया क्या होगा हमारा, एस बी, ठीक, बेंट अप बार का एरिया इंटू सिग्मा एस बी, है ना, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू ये जो साइन, अगर ये मतलब कि 45 डिग्री पे है तो इंटू साइन 45 या साइन अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, एंगल, जितने एंगल पे आप इसको बेंट करा रहे हो, ठीक। तो ये आपका होता है स्ट्रेंथ के किसके लिए, बेंट अप बार के लिए, ठीक है। ये किस में आता है, डब्ल्यू एस एम में आ गया। अगर एल एस एम का देखना हो तो वी एस बी क्या होगा, सिग्मा एस बी की जगह क्या लिखते हैं, सिग्मा एस बी की जगह क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई, बाकी वही रहेगा, इंटू ए एस बी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा एल एस एम के लिए, ठीक, ये हो जाएगा एल एस एम के लिए, ठीक। अब क्या करते हैं, इसकी भी डिजाइनिंग होगी। तो यहाँ पे बेंट अप बार में देखा जाए तो इसकी डिजाइनिंग करेंगे, तो डिजाइन शियर क्या होगा, डिजाइन शियर विल बी, याद है पिछले वाले हम लोग डिजाइन शियर निकालते थे वी डी करके डिजाइन शियर निकालते थे, यहाँ पे देख लेते हैं, वी डी करके डिजाइन शियर निकालते थे। वी डी क्या होता था, वही जो एक्स्ट्रा शियर आता था वी मैक्स माइनस वी सी करके, ठीक। यहाँ भी डिजाइन शियर वी डी ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो वी मैक्स माइनस वी सी से जो वैल्यू आएगी एक्स्ट्रा शियर, उसमें भी हम क्या माइनस कर देंगे, वी एस बी जो स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार है वो भी माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, डिजाइन शियर, ठीक। तो यहाँ पे हेयर डिजाइन शियर विल बी, पहला वी डी, डिजाइन शियर वी डी इक्वल टू, यहाँ पे वी डी बराबर क्या होता था, वी मैक्स माइनस वी सी, यहाँ पे वी डी बराबर क्या होगा, वी एस माइनस वी एस बी, अगर इतने को हम वी एस बोल दें तो वी एस, ठीक है, शियर फोर्स वी एस अगर इसको हम बोल दे रहे हैं, या एक्स्ट्रा शियर है तो एक्स्ट्रा शियर माइनस क्या आएगा, बेंट अप बार का शियर, ठीक।
सियरिन बेंट ऑफ बार, ठीक है। दूसरा वी डी इज इक्वल टू वी एस बाई टू, एक्स्ट्रा सियर जो आ रहा है उसके बाई टू, ठीक। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही होगी हमारी डिजाइन सियर की वैल्यू, ठीक। और लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे वेयर वी एस बराबर, यही वी एस बराबर क्या लिखा भी मैंने, वी मैक्स माइनस वी सी, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए लेट आपको वी मैक्स दिया है 100 किलोन्यूटन, ठीक। वी सी दिया है मान लीजिए 60 किलोन्यूटन, ठीक। वी मैक्स इतना दिया, वी सी इतना दिया, ठीक है। और आप मान लो वी एस बी भी दिया है 40, वी एस बी दिया 40, ठीक। वी एस बी यही जो निकल गया है ये, ठीक। अब क्या करोगे आप, डिजाइन से निकालना बोल रहा है, वी डी निकाल लो, क्या करोगे। पहले तो आप वी डी निकालने के लिए वी एस ही है, वी एस के लिए क्या है, वी मैक्स माइनस वी सी, वी मैक्स माइनस वी सी, तो वी एस आएगा आपका वी मैक्स माइनस वी सी 100 माइनस 60 इसको तो कितना है, ये भी 40 आ गया, ठीक। तो वी डी क्या होगा, वी डी होगा पहला केस होगा, वी डी का पहला केस वी डी बराबर वी एस माइनस वी एस बी, वी एस 40 है माइनस वी एस बी 40, 40 माइनस 40 जीरो। दूसरा केस होगा वी डी बराबर वी एस बाई टू बराबर 40 बाई टू, है ना, 40 है बाई टू 20 किलोमीटर। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, डिजाइन शेयर के वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या होगा, वी डी बराबर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही वी डी निकालना होता, ठीक। ये छोटी सी चीज थी बताना था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारा टॉपिक है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, है ना, किसका टॉपिक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का टॉपिक है, ठीक। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो पहले सबसे पहले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बजाय पहले पढ़ा जाए बॉन्ड क्या होता है ना। बॉन्ड तो पढ़ा हुआ सबने फिलहाल कि बॉन्ड होता क्या है। तो पहले लिखना है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे आज, डेवलपमेंट लेंथ एंड टॉर्जन, इतनी तीन चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे इन बीम्स, ठीक। बॉन्ड स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट लेंथ एंड टॉर्जन इन बीम्स, क्लियर, ठीक। देखिए क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, आपको सबको पता कि कंक्रीट और स्टील है ना, आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट स्टील जब एक साथ मिला के सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसमें आरसीसी डालते हैं, सरिया डालते हैं, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है। लेकिन हाँ, ये 100% गारंटी के साथ बोला जाता है कि कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये एज्यूम किया जाता है ना, जो भी WSM मेथड है चाहे जो है, कि क्या होती है, बॉन्ड होती है, वो भी फुल्ली तरीके से, है ना, बॉन्ड फुल्ली तरीके से होती है, ठीक है। तो एजम्पशन होता है, एजम्पशन आपने WSM में भी देखा होगा कि कहा गया था कि अंडर इलास्टिक लिमिट जिसने पुराना पढ़ा उसको याद होगा, अंडर इलास्टिक लिमिट कंक्रीट एंड स्टील वॉज या रहेंगे कंप्लीट बॉन्ड, ठीक, यही हुआ था, माना गया था। कंप्लीट बॉन्ड का मतलब हो गया नो स्लिपिंग कंडीशन, स्लिप होगा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन ऐसा है था तो नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, होना यही चाहिए, नो स्लिपिंग कंडीशन इसलिए होना चाहिए, ये मान के इसलिए चला गया था एजम्पशन, इसलिए माना गया था कंप्लीट बॉन्ड होना चाहिए। कंप्लीट बॉन्ड रहता है तो अगर स्टील है पूरी, मान लीजिए स्टील बार है, सरिया है, चारों तरफ से कंक्रीट ने इसको जकड़ रखा खस के, तो जाहिर सी बात है जो कंक्रीट इसका जो टेंसाइल वाला जो स्ट्रेस होता है ना, जो कंक्रीट जो है
वो क्या करता है, अपना जो टेंसाइल स्ट्रेस नहीं झेल पाता वो किसको ट्रांसफर कर देता है, स्टील को, तो स्टील झेल ले जाता है, यही बात तो होती है। तो अपना क्या है, ट्रांसफर फोर्स जो है टेंसाइल फोर्स वो ट्रांसफर कर लेता है अगर नो स्लिप वाली कंडीशन होती तो, कंप्लीट बॉन्ड होता है तो। नहीं समझ में, देखिए अगर ये नहीं हुआ, इफ कंप्लीट बॉन्ड इज नॉट अवेलेबल, अगर कंप्लीट बॉन्ड नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कंक्रीट विल नॉट ट्रांसफर टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल फोर्सेस टू स्टील, किसको, कौन, कंक्रीट, मतलब कंक्रीट जो लोड इसको टेंसाइल फोर्सेस, अगर बॉन्ड अच्छा रहता है, कंप्लीट बॉन्ड रहता है तो क्या करता है, अपना जो टेंसाइल स्ट्रेसेस, क्योंकि ये तो झेल पाता नहीं कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये स्टील को ट्रांसफर कर देता है, झेल लेते जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ट्रांसफर नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, देन क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक, अच्छा क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। रीज़न क्या होता है बॉन्ड के, तो अगर हम ये देखें कि बॉन्ड के रीज़न क्या होते हैं, तो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट के रीज़न क्या होते हैं, ठीक, रीजन्स, तो पहला रीज़न तो यही होता है कि उन दोनों बीच क्या होता है, किसकी वजह से बॉन्ड बढ़िया बनता है, फ्रिक्शन की वजह से। इसीलिए देखा होगा आपने सरिया में क्या होता है ना, दिया जाता है ना, रिबिंग कर दी जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। दूसरी चीज क्या रहती है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं भाई। देखो अगर ये स्टील है, इसको बढ़िया सा अच्छा पकड़ा हुआ है कंक्रीट, तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, इस कंक्रीट के पास क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कसकर अगर अच्छे से पकड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है बॉन्ड अच्छा रहेगा, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रीजन दूसरा क्या है, बॉन्ड का बढ़िया बॉन्ड का रीजन क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते कहाँ से हैं, तो जब कंक्रीट जम जाता अच्छे से, जब शुरू शुरू में कंक्रीट नहीं जम रहता तो उतना अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नहीं जनरेट होगा, लेकिन जब कंक्रीट जम जाता है अच्छे से तब, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते कहाँ से हैं, अकर्ड बाई सेटिंग ऑफ जमना, सेटिंग मतलब जमना, सेटिंग ऑफ कंक्रीट, सेटिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड स्टील बार्स, मतलब यही कह रहा हूँ मैं बार बार, अराउंड स्टील बार, स्टील बार है तो इसमें चारों तरफ से कंक्रीट अगर अच्छे से, है ना, जम जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बढ़िया सा होंगे, ठीक है। अब जहाँ पे कंक्रीट नहीं है, जो है बॉन्ड नहीं अच्छा आ पा रहा है, है ना, इन ये दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही, ना फ्रिक्शन सही है दोनों के बीच, ना जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस सही से डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करें ऐसा कि हमारा बॉन्ड इंक्रीज हो जाए, है ना। तो बॉन्ड में इंक्रीज बाय बॉन्ड मे बी इंक्रीज्ड बाय, बॉन्ड कैसे बढ़ाया जा सकता है, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए कैसे बढ़ाया जा सकता है बॉन्ड, एक तो ये कि हाई स्ट्रेंथ स्टील बार यूज करो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करो, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करेंगे तो क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करने से क्या हो जाता है कि बॉन्ड अच्छा बन जाता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करने से इसलिए बॉन्ड अच्छा हो जाता है क्योंकि उसमें सीमेंट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जब सीमेंट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, ठीक। दूसरी चीज और क्या करके बढ़ाया जा सकता है, बाई
इंक्रीजिंग कवर, बाय इंक्रीजिंग कवर, कौन सा कवर, इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, दोनों, अगर कवर बढ़ा देंगे तो भी ठीक है। अच्छा और कैसे बढ़ सकती है स्ट्रेंथ, तीसरा बाय रफनिंग, क्या करिए सतह को खुरदरा बना दीजिए, सतह समझ रहे हैं आप, जो स्टील के फेसेस होते हैं आपने देखा होगा पहले एक माइल्ड स्टील आती थी प्लेन, तो वो इसलिए स्लिप कर जाती थी, तो क्या बनाने लगे अब इसको क्या बनाने लगे, खुरदरा बनाने लगे, रफ, रफनेस ज़्यादा हो गया तो अच्छे से पकड़ आ जाएगा, और रफनेस तो ठीक कर ही दिया, ऊपर से जो आपके एच वाई एस डी बार्स जितने भी आ रहे हैं अब तो उनमें क्या हो रहा है कि ऐसे 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 बना दिया जा रहा है ना, रफनिंग ज़्यादा हो जा रही है ठीक है, बाय रफनिंग, खुरदरा करना बाय रफनिंग फेसेस ऑफ, बाय रफनिंग ऑफ फेसेस ऑफ स्टील बार्स, स्टील बार्स को क्या करो, कुछ ऐसे ऐसे नहीं देखा है आपने स्टील में ऐसे 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 है ना, अगर ये स्टील है तो ठीक है, ठीक है घेरा बना लेता है ओके, बाय यूजिंग एच वाई एस टी बार्स ठीक है, मतलब डिफॉर्म बार्स और ट्विस्टेड बार्स, ट्विस्टेड बार्स ठीक, एंड रिब्ड बार्स, रिब्ड मतलब जो इसमें उठा रहता है सरिया में हल्का हल्का उठा नहीं रहता है ठीक है, तो इन सबको यूज करके क्या है बॉन्ड बढ़ाया जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी की जा सकती है ठीक, ये सब करके बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी की जा सकती है भाई। अब आता है कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेस देखिए क्या होता है, बॉन्ड दो तरीके का होता है ठीक, बॉन्ड दो तरीके का होता है, एक तो लोकल बॉन्ड होता है और एक होता है डायरेक्ट बॉन्ड, अभी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं लोकल बॉन्ड क्या होता है डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है ठीक, ठीक पहला अगर हम लोकल बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है यही जो है लोकल बॉन्ड के अंडर में, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेस देखें तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है आप लोग को पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो क्या होगा कि सरिया को निकलने नहीं देगी, स्लिप करने नहीं देगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेस एक तरीके का क्या होता है रेजिस्टिव स्ट्रेस होता है, रेजिस्टिव स्ट्रेस होता है ठीक है, रेजिस्टिव स्ट्रेस होता है तो इसका टाउ तो शियर स्ट्रेस होता ही होता है, बॉन्ड का हम लिख देते हैं बी डी ठीक, क्लियर ठीक, टाउ बी डी इज इक्वल टू, कोड कहता है टाउ बी डी इज इक्वल टू क्या होगा वी अपॉन, वी आपका शेयर फोर्स है, वी अपॉन वहां पे बी डी होता था याद है, यहाँ पे होगा समीशन ऑफ ए इंटू जे स्मॉल जे इंटू डी ठीक, याद करिए स्मॉल जे इज इक्वल टू क्या होता था, वेयर स्मॉल जे इज इक्वल टू वन माइनस के बाई थ्री, कुछ याद आया किसी को, नहीं याद आया तो याद करिएगा, जे इज इक्वल टू वन बाई के थ्री, के बाई थ्री, के इज इक्वल टू क्या होता था एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, होता था कि नहीं होता था ठीक, तो जे इज इक्वल टू वन बाई माइनस के बाई थ्री होता है, डी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है ठीक है, डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ठीक, समेशन ए जो लिखा है यहाँ पे उसका क्या मतलब है ध्यान से देखिए, क्या है कि अगर आपका ठीक कुछ ऐसे बीम है ठीक है, बीम के अंदर ये आपकी सरिया है ठीक, ये रेनफोर्समेंट बार है, इधर से टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, टेंशन फोर्स लग रहा है ठीक है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है ठीक, अब क्या किया आपने यहाँ पे लगा दिया छल्ले ढेर सारे हैं, ऊपर से इधर कंक्रीट भरा हुआ है पूरा ठीक, कंक्रीट भरा हुआ है इसको कस अच्छे से पकड़ा हुआ है, जाने नहीं दे रहा इधर ठीक, लेकिन आप खुद बताइए कि ये कितना फोर्स लगा जाए जो ये इधर ना जाने दे, इधर कुछ लग रहा होगा, इधर टेंसाइल लग रहा है तो इधर कंप्रेसिव लग रहा होगा, जाहिर सी बात है भाई, इधर भी और इधर भी कंप्रेसिव लग रहा होगा, नहीं इसके इस साइड भी और इस साइड भी कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्सेस लग रहे होंगे ठीक है, ये अगर सर्कुलर बार है
मैंने ऐसे बनाया कि हाँ ये सर्कुलरली ठीक है ठीक, और सरिया तो सर्कुलर ही होता, जब ये बार होता है सर्कुलर बार ठीक है, रेक्टेंगुलर भी होता है सरिया याद रखिएगा। हाँ सर्कुलर बार अगर है तो छल्ले लगे हुए हैं, जो छल्ले लगे हुए हैं तो जो यहाँ पे इधर टी लग रहा है तो ये जो टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं तो इसको रजिस्ट करने के लिए फोर्स लग रहा होगा, वही तो है हमारा बॉन्ड फोर्स, बॉन्ड स्ट्रेस कह सकते हो या बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो, है ना। स्ट्रेस में अगर एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्ट्रेंथ बन जाएगा, जाहिर सी बात है, तो टाउ बी डी हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होगा। तो ये उतना ही लगेगा जितना टी हमारा लग रहा है, इतना रहेगा तभी तो बैलेंस होगा वरना ये निकल जाएगा, है ना। तो जितना इधर से फोर्स लग रहा है इसको खींचने के लिए उतना ही इधर क्या है बॉन्डिंग फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक। तो बॉन्ड स्ट्रेस और ये क्या आपका, ये आपका टेंसाइल फोर्स, दोनों इक्वली होगा तभी जो है बैलेंस रहेगा, वरना ये निकल के भाग जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इसके सर्कमफेरेंस पे लग रहा होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंशियल, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, इसी बाउंड स्ट्रेस को सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है। हम बात कर रहे थे समेशन ए का, तो समेशन ए क्या होगा, एक रिंग का तो निकालना नहीं है, सारे रिंग का निकालना है, तो एन अगर एन रिंग है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू रिंग है, ठीक। तो याद करिए सर्कमफेरेंस कितना होता है, परिधि, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है टू पाई आर, आर तो है नहीं, टू पाई आर अगर है सर्कमफेरेंस होता है वो टू पाई आर अगर ही होता है परिधि, तो टू पाई आर, तो टू आर क्या होगा पाई इंटू डी होगा कि नहीं होगा, डी मतलब डाई ऑफ बार, और यहाँ हम डाई ऑफ बार क्या लेते हैं फाई लेते हैं, ठीक, तो पाई इंटू फाई, तो एन इंटू पाई इंटू फाई। फिर से सुनिए, ये टू पाई आर परिधि होता है, परिधि पर ही तो फोर्स लग रहा है, ठीक। तो परिधि जो होता है वो देखा जाए तो टू पाई आर, तो आर त्रिज्या होती है रेडियस, तो टू आर क्या होगा डायमीटर, तो पाई इंटू डी, और डी को हम यहाँ से किससे लिखते हैं फाई, तो पाई इंटू फाई होगा। तो एक का तो है नहीं, एन इज़ टू नंबर ऑफ रिंग्स, तो एन इंटू पाई फाई, तो समेशन ए क्या होगा, समेशन इसीलिए लिखा है कि एक दो तीन चार जितनी होंगी सबका जोड़, तो समेशन ए इज टू एन इंटू पाई फाई, जे हो गया हमारा वन माइनस के बाई थ्री, के इतना हो गया डी इफेक्टिव डेप्थ, कुल मिला के कि इस सर्कमफेरेंशियल पर कितना स्ट्रेस लग रहा है वो हमारा होगा बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस जो लोकल बॉन्ड है या जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो होगा वी अपॉन समेशन ए जे डी, ठीक, अकॉर्डिंग टू आई एस 456/2000। ओके, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स, ये तो बॉन्ड स्ट्रेस है ना, अब स्ट्रेस है तो फोर्स भी निकालना पड़ेगा, तो टोटल फोर्स इन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या होगा, एक तो टाउ बी डी स्ट्रेस इनटू, अब यहाँ पे एरिया कैसे लेंगे, सर्कमफेरेंशियल का स्ट्रेस की बात करते हैं तो कुछ इतनी इसकी लेंथ होगी, कुछ तो इसकी लेंथ होगी ना, तो ये पूरी लेंथ स्मॉल एल मान लीजिए है, तो ये लेंथ हो गया इनटू पाई इनटू डी, तो पाई इनटू फाई इनटू एल, ये तो होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स, क्या होगा टोटल फोर्स, ठीक, ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक। अब देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेस हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, तो टाउ बी डी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंक्रीट, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कंक्रीट, टाइप ऑफ कंक्रीट का मतलब यह हुआ कि ग्रेड है ना, दैट इज ग्रेड, M10 है M20 है, इस पर डिपेंड करता है। कोड में इसकी वैल्यू दी हुई है, टाओ बी डी डब्ल्यू एस एम की वैल्यू अलग दी हुई है, टाओ बी डी एल एस एम की वैल्यू अलग दी हुई है, ठीक है, एक टेबल है पूरा, ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक। अच्छा, जैसे M15, M20, M25, M30, अभी इतना ले रहे हैं,
अच्छा दिया हुआ है, तो M15 का होता है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सब न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, 0.6 इसका होता है, 0.8 इसका होता है, 0.9 इसका होता है, 1 इसका होता है, तो अपने आप ही याद हो जाएगा, और नहीं तो कोड में तो दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा टाउ बी डी LSM का क्या होता है, M15 का बहुत कम होता है, फिर 1.2 1.4 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर और न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक, ये जो भी दिया है टाउ बी डी, टाउ बी डी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ग्रेड पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, तो इतना तो वैल्यू दिया हुआ। ये जो भी वैल्यू दिया है ये सब वैल्यू ये किसके लिए है, ध्यान से सुनो, माइल्ड स्टील के लिए दिया भाई साहब, माइल्ड स्टील मतलब Fe 250 के लिए, 250 के लिए। ठीक, और इंटेंशन दिया है, इंटेंशन ध्यान सुनो, इंटेंशन के लिए, टेंशन के लिए इतना दिया है कोड में। अब ये भी प्रोविजन है, ये भी प्रोविजन है कि इफ इट इज इन कंप्रेशन, देखिए ध्यान से, अगर टेंशन में है तो ये वैल्यूज ये होंगी जो दी हुई हैं, अगर कंप्रेशन में होगा तो ये व्यवस्था की गई है, कोड कहता है कि कंप्रेशन में अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो भी वैल्यूज होंगी टाउ बी डी का, टाउ बी डी की जो भी वैल्यूज होंगी वो 25% इंक्रीज कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी, कितना 25% बढ़ जाएंगी। मींस देखा जाए तो जो वैल्यू अगर आएगी उसमें टाउ बी डी तो है ही है, और बढ़ जाएगी मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25% का मतलब यही हुआ ना, 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए था, माइल्ड स्टील के लिए। अगर हम HYSD बार के लिए करें तो इफ इट इज HYSD बार, ठीक HYSD बार हो तो बोला गया कि HYSD बार में जो भी ये वैल्यूज हैं टाउ बी डी की वो 60% बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएंगी 60% इंक्रीज कर देंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ जाएगी, कब, HYSD बार के लिए 60%, तो देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ बी डी इंटू 1.6, कब, अगर टेंशन में है तो। ठीक, लेकिन इफ HYSD बार भी दिया हो, इन कंप्रेशन भी दिया हो तो आप बताइए अब क्या होगा, HYSD बार भी दिया है, कंप्रेशन भी दिया, मतलब टाउ बी डी तो टाउ बी डी है ही है, इनटू HYSD बार मतलब 60%, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कंप्रेशन की बात कर रहा है, कंप्रेशन कितना बढ़ जाता है 25%, मतलब 1.25 और मल्टीप्लाई, तो इस तरह वैल्यू निकालेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉर M20 के लिए हमें टाउ बी डी निकालना है। ठीक, तो हमने फट से टेबल देखा कि M20 के लिए टाउ बी डी कितना है, 1.2, राइट, LSM से अगर देख रहे हैं तो, ठीक है 1.2 है भाई। ठीक, अच्छा तो 1.2 लिख दिया टाउ बी डी की जगह। ठीक, और ये भी बोला गया है कि HYSD बार से कंप्रेशन के लिए M20 के लिए टाउ बी डी निकालिए, कब, जब HYSD बार दिया हो, कंप्रेशन दिया हो, तो 1.2 हुआ इंटू 1.6 इंटू 1.25, तो ये निकल के आ जाएगा। अगर केवल टेंशन के लिए होता तो इतना रखते 1.2 इंटू 1.6 HYSD बार, अगर केवल माइल्ड स्टील होता तो फिर सबसे पहले दिए केवल 1.2। ठीक है, अभी आगे हम लोग करेंगे, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सब है। अब बात ये आई कि टॉप बी डी किस पर डिपेंड करता है, टॉप बी डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमें पता चल गया। ठीक है, टॉप बी डी मतलब बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर इफ रीइंफोर्समेंट फेल्स इन बॉन्ड तब क्या होगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक, अगर रिइंफोर्समेंट फेल कर जाए बॉन्ड में आपने सरिया लगाई, फेल कर गया, तो क्या करेंगे हम,
क्या ऐसा क्या जुगाड़ करें, ऐसा क्या जो है तरीका अपनाएं कि जो है बॉन्ड भी बना रहे ठीक है, और जो रिन्फोर्समेंट है जो सरिया आपने लगाया वो स्लिप भी ना करे, बॉन्ड में बना रहे है ना, रिन्फोर्समेंट फेल भी ना करे। तो इसका एक ही तरीका ये है बढ़िया कि क्या करिए कि नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज नंबर ऑफ बार्स सरिया की क्या है बढ़ा दीजिए, 3 यूज करें तो 5 यूज करिए है ना, और क्या करिए डिक्रीज द डाया ऑफ बर्थ, डिक्रीज द डाया ऑफ बर्थ क्या होगा इससे। देखिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ST निकल के आएगा वो तो सेम है भाई, ST क्या होता है n इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर ठीक। अगर नंबर ऑफ बार्स बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है इसको घटाना पड़ेगा, मतलब एरिया क्या रखना है आपको, एरिया क्या रखना है कांस्टेंट रखना, जो था पहले वही एरिया रहना है। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ बार्स बढ़ाएंगे तो डाया वर्क कम करना। कुल मिला के हिंदी शुद्ध हिंदी समझ लीजिए कि मोटी मोटी सरिया नहीं डालनी है, पतली बार डालनी है, ज़्यादा डालनी है पतली सरिया डालनी है। इससे क्या होगा बॉन्ड बढ़ेगा, बढ़िया बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिइंफोर्समेंट फेल नहीं करेगा बॉन्ड ठीक है। मोटी मोटी रहेंगी कम रहेंगी तो क्या होगा बॉन्ड फेल कर जाएगा ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ठीक ओके। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ की L फॉर लेंथ D फॉर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट लेंथ की बात करेंगे। अभी अभी हमने एक चीज देखा था कहेंगे भाई ये बॉन्ड, इस बॉन्ड दो तरीके होते हैं लोकल बॉन्ड डायरेक्ट बॉन्ड, तो लोकल बॉन्ड की बात तो हम लोगों ने कर लिया, अब डायरेक्ट बॉन्ड की बात करेंगे। तो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है डायरेक्ट बॉन्ड पे ठीक ठीक है। देखते हैं तो कई बार पूछा जो जा चुका है, बहुत इजी टॉपिक है और फेमस टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ होती क्या, नाम से तो पता चल रहा है कि लेंथ है ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ क्या क्यों कहते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि जब हम सरिया लगाते हैं, मान लीजिए सपोर्ट ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट ठीक, अब क्या हुआ सपोर्ट है कुछ ऐसा है सपोर्ट भाई ठीक, इस सपोर्ट में आपकी लगी हुई है सरिया ठीक, अच्छा स्टील लगी हुई, स्टील बार सपोर्ट में देखते हो नहीं, सपोर्ट से जहाँ जहाँ होता है वहाँ निकला रहता है स्टील बार ठीक है, निकला हुआ भाई ठीक। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या लग रहा है टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा, अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे करके कंक्रीट कंक्रीट खूब ढेर सारा भरा हुआ है तभी तो बॉन्ड बनेगा ठीक है, कंक्रीट भरा हुआ अच्छे से ठीक है। अब इसको अच्छे से बॉन्ड बने इसलिए हमने क्या लगा दिया रिंग्स लगा दिया ठीक है, रिंग भी लगा दिया। डेवलपमेंट लेंथ का मतलब यह है कि इस वाले सपोर्ट से है ना जितना है अंदर जितना जाना है ना, ये तो बाहर ही निकला है, कितना कितना लेंथ अंदर हम रखें है ना सपोर्ट में, जो सरिया वहीं लगी है तो जहाँ पकड़ बननी है जहाँ बॉन्ड बनना है वहाँ हम कितनी लेंथ थोड़ी सी इतनी रखें ठीक है, थोड़ी सी इतनी रखें या इतनी रखें इतनी रखें, मतलब अंदर कितनी दूर तक है ना, अंदर इधर से कितनी दूर तक, अंदर यहाँ से कितनी दूर तक, मतलब एक्स्ट्रा सरिया जैसे यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अंदर भी अगर कोई कहे कि भैया इतने तो फेल कर जाएगा ना, तो बॉन्ड अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए कितनी दूर तक अंदर एक्स्ट्रा सरिया हम लगाएं कि हमारा ये पूरा जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो रुका रहे, टेंसाइल फोर्स की वजह से ये सरिया स्लिप ना करे आगे ना जा पाए, तो अंदर कितना एक्स्ट्रा सरिया लगाना पड़ेगा ठीक। तो यही हो जाती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ LD मीन्स, अगर इसको इंग्लिश में अच्छे से लिखा जाए तो ये एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा लेंथ स्लिप, देखो सरिया तो सिर्फ इतनी इतनी यूज हो रही है लेकिन एक्स्ट्रा और लगाते हैं, जहाँ 5 मीटर यूज करना वहाँ
वन मीटर और यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि बॉन्ड अच्छा बना रहे, ठीक है। तो अच्छे बॉन्ड बने रहने के लिए मतलब यह है कि अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसको इधर खींचने के लिए, तो इधर भी बॉन्ड है ना, इसको ना खींच पाए इधर, इसके जस्ट अपोजिट में जैसे अभी बताया था मैंने, क्या लगेगा? टाउ बी डी लगेगा, है ना। तो इसको खींचने के लिए टाउ बी डी अगर लग रहा है ना, इधर टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए टाउ बी डी अगर लग रहा है, तो उस टाउ बी डी को लगाने के लिए ये जो लेंथ है वो सरिया कितनी मतलब रखनी चाहिए, कितने लेंथ में, एक मीटर दो मीटर कितना एक्स्ट्रा रखेंगे कि ये दोनों बैलेंस रहें, टाउ बी डी और टी। अच्छा, तो इसको कोई पूछे डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, तो आप बता सकते हो, दिस इज एन एक्स्ट्रा लेंथ एंड एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड इनसाइड, प्रोवाइडेड प्रोवाइड किया जाता कहाँ पे, अंदर, इनसाइड द सपोर्ट, कहाँ पे, सपोर्ट के अंदर एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जाती है, है ना, सपोर्ट, वो भी कब तक, जब तक टिल द टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो, बिकम जीरो का मतलब जाहिर सी बात है जितना टेंसाइल फोर्स इधर लग रहा है अगर उतना ही इधर लगेगा तभी तो टेंसाइल वाला जीरो हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, फुल बढ़िया स्टेबल रहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम रहेगा। तो कुल मिला के कितनी लेंथ, जैसे यह है तो कितनी लेंथ एक्स्ट्रा अंदर प्रोवाइड किया जाए जिससे टेंसाइल स्ट्रेसेस और टाउ बी डी दोनों इक्वल रहें, इधर इधर ना घूम पाए, ठीक। सो अगर हम कहना चाहें तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस। अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो टेंसाइल फोर्स की स्ट्रेस इनटू एरिया, टेंसाइल फोर्स जो टी लग रहा है वो बराबर किसके होने चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक, गुड बॉन्ड या बेस्ट बॉन्ड के लिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। टेंसाइल फोर्स देखते हैं क्या आएगा, टेंसाइल फोर्स क्या आएगा, टेंसाइल फोर्स क्या होगा, कैपिटल डी टी जो है वो क्या आएगा, कैपिटल टी क्या आएगा भाई, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स क्या है, यहाँ स्ट्रेसेस कौन से लग रहे हैं, सिग्मा एस टी लग रहा होगा, स्टील है, सिग्मा एस टी स्ट्रेस इंटू एरिया पाई बाई फोर फाई स्क्वायर, यहाँ पर डायमीटर जो हम फाई ही लेंगे स्टील का, ठीक है। जो आरसीसी में स्मॉल डी से हम लिखते हैं इफेक्टिव डेप्थ को, और डाया बार हमेशा लेंगे फाई से लिखेंगे, ठीक है, नोटेशन है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया पाई बाई फोर फाई स्क्वायर इज इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, टाउ बी डी स्ट्रेस इनटू एरिया। अब एरिया टाउ बी डी, फिर वही बात, सर्कमफेरेंशियल लग रहा है टाउ बी डी, टाउ बी डी सर्कमफेरेंशियल लगेगा तो जाहिर सी बात है पाई इंटू फाई इंटू पाई इंटू फाई, अभी पीछे निकाला था इंटू कितनी लेंथ पे काम कर रहा है, एल, पाई इंटू फाई मैंने हो गया क्या, पाई इंटू डी मतलब टू पाई आर, ये आपका सर्कमफेरेंस हो गया, और इंटू एल डी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फाई फाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए तो एल डी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा फाई इंटू सिग्मा एस टी इधर बचा अपॉन फोर टाउ बी डी नीचे आ जाएगा, तो फोर टाउ बी डी, यही आपकी होती है डेवलपमेंट लेंथ, क्या होती है डेवलपमेंट लेंथ, ये होता है डब्ल्यू एस एम से, ठीक, किससे होती है डब्ल्यू एस एम से, फाइव इंटू सिग्मा एस टी अपॉन फोर टाउ बी डी। अच्छा, अगर अब हम बात करें एल एस एम का तो एल एस एम से यही फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो कहीं वही बात है, एक बार डब्ल्यू एस एम से आप पढ़ लेंगे तो एल एस एम तो अपने आप आ जाएगा। एल डी इक्वल टू क्या होगा, फाई है, ठीक है, इंटू सिग्मा एस टी जगह हम क्या रख सकते हैं, वही 0.87 एफ वाई, ठीक, अपॉन फोर टाउ बी डी, फोर टाउ बी डी, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस एम की बजाय एल एस एम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि इनकम्प्रेशन, अगर हम बात करें इनकम्प्रेशन, तो कंप्रेशन वाले में क्या हो जाएगा,
याद करिए, कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, यही टॉप बीडी क्या हो जाएगा 1.25, 25% इंक्रीज कर जाएगा टॉप बीडी, याद है बताया था अभी मैंने। तो कंप्रेशन वाले में देखा जाए तो देखा जाएगा एल डी इक्वल्स टू क्या, फाई इंटू सिग्मा एस टी अपॉन फोर इंटू टाओ बी डी, क्या होगा टाओ बी डी, ये तो उतना ही रहेगा इंटू 1.25। तो फाई इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 1.25 और फोर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा इंटू टाओ बी डी। तो कई जगह फोर टाओ बी डी लिखा रहेगा, कई जगह फाइव टाओ बी डी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। एल डी इज इक्वल्स टू फाई इंटू सिग्मा एस टी अपॉन फाइव टाओ बी डी जो होगा वो किसके लिए होगा, कंप्रेशन के लिए। ठीक, क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया एच वाई एस डी बार, ठीक, बोला गया एच वाई एस डी बार के लिए M20 के लिए LSM से निकालिए, ठीक है, और इन कंप्रेशन ये दिया है, क्या निकालना है LD की वैल्यू निकालिए, क्या करना है LD वैल्यू निकालना। तो LD इज इक्वल्स टू होगा क्या LSM से क्या है, तो 0.87 FY इंटू फाइव, ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, अपॉन फोर टाओ बी डी, ठीक। कंप्रेशन कह रहा है 1.25 से मल्टीप्लाई इंटू एच वाई एस डी बार के लिए 60% मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो फंडा है वो फंडा हर जगह लगेगा, तो ये आ जाएगा एल डी इक्वल्स टू इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से निकालना, ठीक है। अब बात आती है डेवलपमेंट लेंथ निकल गया, डेवलपमेंट लेंथ कब आता है, जब ऐसे होता है कि आपका सपोर्ट के अंदर है ना कितनी लेंथ प्रोवाइड करना है, तो ये निकल के आ गया आपकी कितनी लेंथ प्रोवाइड करना है, क्लियर। अब बात आती है कि कहीं कहीं क्या होता है कि ज़्यादा लंबाई की लेंथ चाहिए होता है सरिया की, सरिया को हम छोटी छोटी अगर इसीलिए लंबी सरिया हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहीं अगर छोटी सरिया है तो दो सरिया जोड़ना पड़ेगा, टू स्टील बार्स या मोर देन टू स्टील बार्स जोड़ते हैं, तो जब जोड़ा जाता है तो उनको बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स, स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स, ठीक, या ज्वाइनिंग ऑफ बार्स, ज्वाइनिंग ऑफ बार्स, ठीक। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि वेल्ड कर दो बाय वेल्डिंग, देखा होगा वेल्डिंग मशीन होती है ना, एक सरिया ऐसे है, ठीक है, ठीक, और एक और है, तो क्या करा दूसरे को इसी के ऊपर रख के जोड़ दिया, ठीक है, ये लैप हो जाएगा। लेकिन अगर एक सरिया ऐसी है, एक ऐसी इसी में जोड़ दो दूसरी हो जाएगी, तो बाय वेल्डिंग, और दूसरा है बाय लैपिंग, क्या बाय लैपिंग, क्या करिए आप, लैपिंग का मतलब ये हुआ एक सरिया आपकी ये है, ठीक, दूसरी यहाँ से ऐसे रखिए, इसमें वेल्ड नहीं करना होता, इसमें क्या करना है, इतना करने के बाद उसको क्या करिए बांध दीजिए, ठीक, आगे बताते हैं पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक। तो लैपिंग में क्या करना है, लैप लेंथ हम पढ़ लेते हैं, LL से लिखते हैं, लैपिंग कैसे करते हैं, कितना लैप करना है, एक और सरिया है, ठीक, और एक सरिया हमने और लगा दिया, ठीक, क्लियर। अब हमने क्या किया, एक सरिया हमने और लगा दिया, और यहाँ रख के पहला वाला तो कि हम वेल्ड कर दें, दूसरा वाला क्या है हम इसको क्या करें जोड़ दें, है ना, समझ पा रहे हैं, क्या करें जोड़ दें, ऐसे ऐसे बांध दें, मतलब कुल मिला के एक ये आपका है और एक ये, ऐसे किया हमने और तार ले लिया, वायर ले लिया, और तार से हमने क्या किया दोनों को बांध दिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सरिया दो सरिया दोनों को बांध दिया, बस बांध दिया भाई हमने, ठीक है, बांध दिया। तो कितनी दूर बांधेंगे, जितनी दूर हम बांधेंगे उसी को हम कहते हैं लैप लेंथ, जैसे अभी डेवलपमेंट लेंथ था वैसे ही लैप लेंथ है। लैप लेंथ में क्या था, कुछ नहीं सिर्फ दो सरिया को, देखो क्या है
कि फिर से इसको समझते हैं कि लैप लेंथ क्या होता है। लैप लेंथ क्या होता है कि अभी जो एक हमारी स्टील बार है ये और एक हमारी स्टील बार ये, तो इन दोनों को लैप करके ओवरलैप करके एक ये है आपकी और एक ये है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐसे ऐसे करके इसको क्या करना है, वायर से बांधना है, ठीक है। इसमें वेल्डिंग नहीं हो रही है कि इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं या ऐसे जोड़ दे रहे हैं बड़ी करने के लिए, इन दोनों क्या कर रहे हैं ऐसे करके बांध दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगी, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक। तो कितना सिरा, ये इतना जो ये जो इतना है वो कितना, इतना इतना काम चल जाएगा जोड़ने से, या इसको और इधर लाना पड़ेगा, या इतने में तो कितनी लैप लेंथ होगी, है ना, जो ओवरलैप कर रहे हैं तो कितनी लेंथ ओवरलैप करनी पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना होता है, ये हमें निकालना होता है। तो इसके लिए कोड कोड के कुछ प्रोविजंस हैं IAS 456/2000 के, तो वो हमें सीधे सीधे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से, तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। और ये आपको पता भी होनी चाहिए कि मैक्सिमम डाया मतलब डायमीटर ऑफ बार्स फॉर बार्स होगा, फॉर बार्स टू बी लैप्ड लैप होने के लिए कितना मैक्सिमम डाया होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 36 mm, मतलब ये कि 36 mm है ना, समझो 18 mm 20 mm है ना, 25 mm की बार, लेकिन 36 mm से ज़्यादा बार, 36 mm की अगर ज़्यादा बार, उससे भी ज़्यादा बड़ी बार है, तो फिर 36 mm से भी अगर मोटी बार है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, तो ओवरलैपिंग करने में मतलब आसानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि लैप लेंथ जितना कंप्रेशन में होगा, लैप लेंथ, ठीक है, लैप लेंथ LENGTH जितना कंप्रेशन में होगा उतना ही डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होगा। कितना कंप्रेशन में जो लैप लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। कुल मिला कहा जाए कंप्रेशन में लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, LD बराबर होता है। हाँ, बट इन एनी केस लैप लेंथ इन कंप्रेशन नॉट लेस देन 24 फाई से कम नहीं होना चाहिए इन एनी केस, किसी भी कीमत पे, किसी भी के हालत में ये क्या होना चाहिए, 24 फाई से कम नहीं होना चाहिए लैप लेंथ इन कंप्रेशन, ठीक। तो कुल मिला के LL जो है नॉट लेस देन 24 फाई, ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेट लैप लेंथ, कोड कहता है कि स्ट्रेट लैप लेंथ 15 फाई से और 200 से, 15 फाई या 200 से में जो भी बड़ा होगा उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या स्ट्रेट लैप लेंथ सीधी, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद ये हो गई कि जो हमारी लैप लेंथ है ना, एनकरेज आप जानते हो, एनकरेज जैसे कल मैंने बताया था, एनकरेज वो होता है जो अलग से वायर बांधने काम आता है, वही एनकरेज वाला काम उसी को कहते हैं, ठीक। लेकिन भी देख लो पहले, लैप लेंथ इंक्लूडिंग समझ रहे हैं, उसी में इंक्लूडिंग द एनकरेज वैल्यू शैल बी एटलीस्ट, कम से कम इतना होना ही चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ और 30 पाई और 35, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा चाहे डेवलपमेंट लेंथ हो और चाहे 35, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, मान लो यहाँ पे 24 फाई डेवलपमेंट लेंथ करके 24 फाई, तो 24 फाई और 35 में जो भी मैक्सिमम होगा, तो 35 मैक्सिमम होगा, जाहिर सी बात है, तो इन दोनों जो भी मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, लैप लेंथ होगा, वो भी कितना, इंक्लूडिंग एनकरेज वैल्यू। एनकरेज वैल्यू क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो इंकरेज वैल्यू को मिला के लैब लेंथ कितनी होगी, कुल मिला के लैब लेंथ, इंकरेज वैल्यू को मिला के लैब लेंथ कितनी होगी, डेवलपमेंट लेंथ और 35, ठीक है। अच्छा, जो डेवलपमेंट लेंथ है उसके लिए कुछ कोड कोडल प्रोविजन है ना, तो उसको भी देख लेते हैं कि IS 456/2000 ठीक है किसके लिए, डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या बोलता है। बोलता यह है कि डेवलपमेंट लेंथ जो है ये बड़ा नहीं होना चाहिए M1/V से। V क्या है, शियर फोर्स आप जानते हो, ठीक। M1 क्या है, M1 है बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन है ना, ठीक, फ्रॉम सपोर्ट, ठीक। वी शियर फोर्स आपको पता है। हाँ, अब फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम क्या दिया है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम यही वैल्यू क्या है, 30% बढ़ जाती है। मतलब कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ है वो नॉट ग्रेटर देन 1.3 M1/V, मतलब 30% की है ना और दे देता है क्लियरेंस, ठीक है। आप तो 30% बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी तक M1/V से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब 1.3 M1/V से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दो चीज़ें, दो पॉइंट हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूछ ले। बात आती है कि एनकरेज वैल्यू क्या होती है, एनकरेज लेंथ क्या होती है ना। अभी हमने बात किया था एनकरेज लेंथ की, ठीक है। तो एनकरेज लेंथ क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक। देखिए एनकरेज लेंथ क्या होता है, जैसे हमारा ये आपका स्लैब क्या नाम है, सपोर्ट था, ये आपका ऐसा कुछ था, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टील लगी, ठीक, सरिया लगी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम ये देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक कितना अंदर गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, डेवलपमेंट लेंथ कहते थे, यहाँ से यहाँ तक को डेवलपमेंट लेंथ कहते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इसको क्या करते हैं, एनकरेज वैल्यू वो होती है जहाँ से हम मोड़ देते हैं, हाँ, बांध देते हैं, ये टर्न दे देते हैं। क्यों देते हैं, कि अच्छा बॉन्ड हो जाए, अच्छे बॉन्ड के लिए इसको मोड़ देते हैं भाई। तो जाहिर सी बात है, अगर यहीं तक होता, सिर्फ यहीं तक होता, सिर्फ यहीं तक की अगर बात करते, सीधी होती तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यहीं से यहाँ तक रहता। अगर इसको मोड़ना भी है तो इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो हुक टाइप का बन जा रहा है, यही एनकरेज होता है, यही आपका एनकरेज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। ये जो हुक का फॉर्म ले रहा है, इसके लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मोड़ना भी तो है ना, ठीक। तो इसके लिए कोड कहता है कि 45 डिग्री टर्न, अगर 45 डिग्री अगर टर्न लेना है तो जो आपकी एनकरेज लेंथ होगी, ठीक है, एनकरेज लेंथ होगी या एनकरेज वैल्यू होगी, वो होगी हमारी 4π। 90 डिग्री टर्न होगा तो 8π, और अगर 180 डिग्री टर्न होगा, जैसे इसमें हुआ है 180 डिग्री टर्न है पूरा, तो ये होगा 16π। इस पे 16π पे क्या बन जाएगा, ये हुक भाई 180 डिग्री टर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को एनकरेज कहते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बोला था कि लैब लेंथ इंक्लूडिंग द एनकरेज वैल्यू, तो अगर हम इसको, ये लैब लेंथ है और इसको अगर हमने मोड़ भी दिया, ठीक, तो मोड़ देंगे तो एनकरेज वैल्यू जो मोड़ रहे हैं, उस मोड़ी हुई रॉड की जो लंबाई वो प्लस उसको ले के टोटल लैब लेंथ कितनी होगी, वो कितनी ज़्यादा होगी, LD होगी या फिर 35, इनमें दो भी मैक्सिमम होगा वो होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक क्या होता था, डेवलपमेंट लेंथ, लेकिन जब इसको मोड़ भी दोगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो जो मुड़ा रहता है उसी को हमें एनकरेज बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 4π, 8π और 16π, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं, टॉर्जन, ठीक। टॉर्जन क्या होता है, जैसे शुरू में भी मैंने बताया था आपको कि फोर्स चार तरीके के होते हैं, एक्सियल फोर्स होता है, दूसरा शियर होता है, तीसरा बेंडिंग मोमेंट और चौथा टॉर्जन, बताया था, ठीक। तो टॉर्जन भी क्या है,
लोड की वजह से होता है, लेकिन क्या है कि एक्सियल लोड क्या होता है, अगर ये कोई बीम है ठीक, तो ये आपकी एक्सिस है, तो इधर से लोड लग रहा है ठीक, पुल हो रहा है, इसको खींचा जा रहा है, तो टेंशन हो रहा है ठीक, इसमें भी होता है टेंसाइल या कंप्रेसिव ठीक है, क्लियर। तो ये एक्सियल हो गया, ये ऊपर से लोड आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर ये सॉफ्ट है कोई, है ना, धुरा है सॉफ्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं ट्विस्ट करा रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे फोर्स लगा रहा है, मतलब कुल मिला के अगर ये ऐसे है सॉफ्ट है हमारा, कुछ ऐसे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क आघूर्ण लग रहा है ना, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्विस्टिंग शेयर भी आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगा ठीक, क्या आएगा ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगा, ट्विस्टिंग शेयर भी आएगा, शेयर भी आएगा और मोमेंट भी आएगा। तो शेयर को हम वी से लिखते हैं और मोमेंट को हम यहाँ लिख रहे हैं एम टी, कौन सा मोमेंट, ये ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्जनल मोमेंट होगा, मोमेंट ड्यू टू टॉर्जन ठीक। अच्छा तो इस केस में क्या होता है कि इफ टी, इफ टॉर्जन इज इक्वल टू टी किलो न्यूटन, है ना, टॉर्जन अगर टी किलो न्यूटन है तो इक्विवेलेंट शियर क्या होगा, इक्विवेलेंट है ना, वी तो हमारा होगा ही शियर, कुल मिलाकर कहने का मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए इस तरह की बीम में देखा जाए एक्सियल में, तो वी हमारा शियर आता है, एम हमारा मोमेंट होता है, इस वाले में क्या होता है वी हमारा शियर होता है, एम हमारा मोमेंट होता है। लेकिन टॉर्जन वाले केस में क्या होता है कि वी तो है ही है, वी का इफेक्ट तो आ ही रहा है, प्लस टॉर्जनल टॉर्जन की वजह से शियर कितना आ रहा है, तो देखा जाए तो टॉर्जनल इफेक्ट आएगा शियर पे, और इसी तरह मोमेंट का आएगा तो देखा जाएगा एम तो हमारा हाई है, प्लस वी टी अगर हम लिखने की टॉर्जन की वजह से शियर कितना आएगा, एम टी लिखने का टॉर्जनल मोमेंट क्या आएगा ठीक है, वी टी यहाँ लिख देते हैं शियर को, तो इसका इफेक्ट भी आएगा ठीक। तो कुल मिला करने का मतलब कि वी तो वी हाई है, प्लस टॉर्जन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है शियर पे वो आएगा 1.6 टी अपॉन बी ठीक। और यहाँ पे एम तो है ही है, प्लस टॉर्जनल मोमेंट क्या होगा टी अपॉन 1.7 वन प्लस डी अपॉन बी, डी हमारे यहाँ पे ओवरऑल लिफ्ट है ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है या इस पर सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बस समझते रहिए कि ये हमारा नॉर्मल शियर तो था ही, ये टॉर्जन की असर की वजह से इतना शियर और आएगा, टॉर्जन की वजह से टॉर्जनल मोमेंट आएगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है ठीक है। तो यहीं तक आपका था टॉपिक था, तो ये यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल ना के बराबर समझ लीजिए आता है, बस हम लोगों को क्या करना है कि इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट, ये इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे स्लैब की, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, स्लैब पढ़ेंगे ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए, जहाँ ना समझ में पूछिए, है ना, तो ठीक है ओके, बढ़िया है, अच्छे से रिवाइज करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।